पूरे देश भर में जिस तरह से भारी बारिश और तेज तूफान के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो वहीं कुछ जगहों से लोगों के जान जाने की भी खबरें सामने आई थी। लेकिन आपको बता दें, एक तरफ जहां बारिश आने से लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली थी, लेकिन अब उन्हें यह राहत नहीं मिलेगी। दरअसल मौसम विभाग ने इस बात की घोषणा की है कि अब जल्द ही गर्मी की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मौसम बिगड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था और तेज आंधी के बाद बारिश से हुई, उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर बात करें तेज हवा की रफ्तार की, तो 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे 35.8 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं सफदरजंग में बीती सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि दिन भर आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।